नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्राकर स्वागत करता हूँ आपका फ्लाया एकेडमी में। संस्कृत में अनुवाद करने के लिए हमें क्या करना चाहिए और हम कैसे अनुवाद करें, इसके लिए मैं आपको एक पूरा वीडियो बनाने वाला हूँ, तो वीडियो को मिस मत करिएगा। अगर आपको हिंदी से संस्कृत में या इंग्लिश से संस्कृत में अनुवाद करना है तो आपको संस्कृत आना पड़ेगा, और कितनी संस्कृत आनी चाहिए और क्या आपको संस्कृत ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको संस्कृत के वचन, लिंग और पुरुष, ये तीन चीज़ें आपको पता होना चाहिए संस्कृत में कि ये तीन चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं वचन के बारे में बताता हूँ। वचन आपके होते हैं तीन, एक वचन, द्विवचन और आपका बहुवचन। संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब गाइस, आपको ये चीज़ जानने कि एक वचन क्या होता है, द्विवचन क्या होता है और बहुवचन क्या होता है। एक वचन का मतलब होता है जहाँ पर एक की बात हो रही हो, मतलब इंग्लिश में कहते हैं सिंगुलर। द्विवचन का मतलब होता है जहाँ पर दो की बात हो, जैसे एक की बात हो रही है, जैसे कि मैं कहूँ कि लड़का, ये एक हो गया। द्विवचन जहाँ दो की बात हो रही है तो मैं बोलूँगा दो लड़के, क्या बोलूँगा मैं, दो लड़के। और बहुवचन की बात हो रही है तो मैं बोलूँगा बहुत से लड़के, बहुत लड़के। समझ में आ गई बात। एक वचन मतलब जहाँ एक की बात हो रही हो, द्विवचन मतलब जहाँ दो की बात हो रही, बहुवचन मतलब जहाँ दो से ज़्यादा की बात हो रही हो। तो गाइज़, ये आपको समझना है पहले, क्योंकि हर बार आपको जब भी आप संस्कृत में आप अनुवाद करेंगे तो आपको पहले वचन देखना पड़ेगा कौन सा वचन है। अब आते हैं लिंग पे। अब आपको लिंग पे आने, लिंग समझना है कि लिंग पे आपका क्या है और क्या है लिंग। आपके लिंग यहाँ पर भी तीन होते हैं, पहला है आपका पुल्लिंग, दूसरा है आपका स्त्रीलिंग और तीसरा है आपका नपुंसक लिंग। तो अब ये भी तीन है, तो जब भी आप अनुवाद करेंगे तो भी आपको देखना पड़ेगा कि लिंग कौन सा है, क्या पुल्लिंग है, क्या स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग है। पुल्लिंग का मतलब होता है जहाँ पर आप पुरुष की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हैं आप, पुरुष की बात कर रहे हो। और स्त्रीलिंग का मतलब आप जहाँ पर स्त्री की बात कर रहे हो, और नपुंसक लिंग का मतलब है जहाँ पर आप पुरुष और स्त्री को छोड़ के जिनकी बात कर रहे हो। जैसे जनरली आपका क्या होता है, पेड़ हो गया, वृक्ष जिसको कहेंगे वृक्ष हो गया, पुस्तक हो गई, तो ये सब आपके ना तो पुरुष है ना ही ये स्त्री है, इसलिए आपका यहाँ पर क्या होगा, ये नपुंसक लिंग होगा। गाइस, अगर आपको थोड़ी सी राइटिंग समझने में इशू आ रहा हो तो प्लीज़ थोड़ा सा कंसिडर कीजिए, मैं बार बार बोल भी रहा हूँ तो आप उस हिसाब से समझिएगा, मैं समझाने के हिसाब से समझा रहा हूँ। अब इसके बाद आता है पुरुष। तो जब भी ट्रांसलेट वो करेंगे तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर पुरुष, तो तीन पुरुष यहाँ पर संस्कृत में पुरुष भी तीन ही होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो आपको संस्कृत में जब भी आप ट्रांसलेट करेंगे तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है, क्या ये प्रथम पुरुष है, क्या ये मध्यम पुरुष है, क्या ये उत्तम पुरुष है। प्रथम पुरुष कौन होते हैं, प्रथम पुरुष होते हैं जिसके बारे में बात हो रही हो, जिसके बारे में बात हो रही हो। मध्यम पुरुष जिससे बात हो रही हो, और उत्तम पुरुष जो बात कर रहा है। ठीक है ना। अब इस कंसेप्ट में थोड़ा अच्छे से समझा देता हूँ, क्योंकि पुरुष का कंसेप्ट आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष होता है जिसके बारे में बात हो रही हो, क्या हो रही हो, जिसके बारे में बात हो रही हो। क्या हो गया, सॉरी फॉर दिस। इसको डिलीट करना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपका प्रथम पुरुष क्या होता है। प्रथम पुरुष, तो प्रथम पुरुष कौन है कि हम संस्कृत में कैसे, वैसे तो मैंने बोल दिया जिसके बारे में बात हो रही है, जैसे इसमें कहेंगे वह, या इंग्लिश में कहते हैं आप ही या शी या फिर इट, ये इंग्लिश में आप कहते हैं, और यहाँ पर संस्कृत हिंदी में आप वह कहेंगे, क्या कहेंगे, वह या वो, वह कहते हैं या वो कहते हैं। तो संस्कृत में क्या होता है, संस्कृत में यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब भी आप लिखेंगे तो आपको इस लिंग देखना पड़ेगा, तो
तो यहाँ पर लिंग के अनुसार और वचन के अनुसार आपके अलग अलग सिस्टम हो सकता पुरुष में। जैसे यहाँ पर सा तऊ ते, शाह मतलब बह, ये किसके लिए हो रही, ये बात लड़के के लिए हो रही, किसके लिए हो रही, लड़का। और तऊ मतलब कि वे दो लड़के, वे दो या वह दो, ये किसकी बात हो रही, लड़के होते मतलब वे बहुत लड़के, मतलब बहुत सारे लोगों की बात होगी। तो यहाँ पर हम सा तऊ ते, सह मतलब एक के लिए, बह मतलब जैसे बह खाना खाता है, तो सह तऊ, वे दोनों खाना खाते हैं तो तऊ, और वे सब खाना खाते हैं तो ते, ये हो गई आपके किसके लिए। ये था आपका लिंग कौन सा था, ये पुल्लिंग के लिए था, किसके लिए था, ये पुल्लिंग के लिए। अब आपको स्त्रीलिंग के लिए भी देखना रहेगा, स्त्रीलिंग के लिए देखेंगे तो स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग के लिए यहाँ पर आता आपका सा ते ताहा, मतलब वह वे दोनों और वे सब, वह वे दोनों और वे सब, समझ गए। तो अगर लड़की है तो सा आएगा, लड़का है तो सहा आएगा, और अगर लड़का दो लड़के हैं तो तऊ आएगा, और दो लड़कियां हैं तो ते आएगा, और बहुत सारे लड़के हैं तो ते आएगा, और यहाँ पर ताहा आएगा। अब इसके बाद ये आ गया आपका स्त्रीलिंग पुल्लिंग। अब आते हम नपुंसक लिंग पे, नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग में भी यहाँ पर होता है तत् ते तानी, क्या होता है तत्ते तानी, तत्ते तानी। तत्ते तानी, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये वह हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा वे दोनों, और हो जाएगा वे दोनों, और ये हो जाएगा वे सब। तो गाइस आपने देखा कि कैसे आपको ये समझना रहेगा, ये चूंकि मैं आपको सिर्फ अभी ये बताया है मैंने, ये आपका कौन सा पुरुष था, प्रथम पुरुष था। अब हम आएंगे मध्यम पुरुष पे। अब मध्यम में भी आपको एक वचन, द्विवचन और बहुवचन से मतलब होना चाहिए, है ना। तो एक वचन में क्या होगा अहम, मध्यम में तुवम होता, तुवम, तुवम मतलब कि तुम या आप, तुम या आप, इंग्लिश में क्या बोलते हैं यू। और द्विवचन में तुवम, युवम, तुम दोनों, क्या हो जाएगा ये, तुम दोनों। और यूयम यानी कि तुम सब, क्या हो जाएगा, तुम सब। तो ये मध्यम पुरुष हो गया। अब आपका क्या बचता है, उत्तम पुरुष, क्या बचा आपका, ये उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या होगा भैया, उत्तम पुरुष में आपका होगा वही एक वचन चाहिए, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी हमें द्विवचन भी चाहिए रहेगा और बहुवचन भी चाहिए रहेगा गाइस। तो एक वचन क्या होगा आपका अहम, और द्विवचन होगा आवाम, और त्रिवचन होगा आपका वयम, अयम आवाम वयम। तो अयम मतलब होता है मैं, आयम आवाम मतलब होता है हम दोनों, और वयम मतलब होता है हम सब, ठीक है। तो ये देखें आप एक चीज़ समझ गए होंगे कि हमने क्या क्या समझा है, कि आपको भाई साहब वचन, और आपको पुरुष और लिंग, इन तीनों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। सबसे शुरुआती वाली चीज़ है ये, हम सब्जेक्ट को ही समझ रहे हैं अभी। अगर इन तीनों चीज़ों का बहुत अच्छे से जानते हो, समझते हो, और अच्छे से आपको आ गया, तो आपने एक कड़ी तो पार कर ली है। समझ में आ गया आपको इतना, तो बहुत अच्छा लगा होगा आपको। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और अपने दोस्तों के साथ, जितने भी लोग हैं सबके साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करेंगे या वीडियो पर व्यू नहीं आएंगे तो हमें कहाँ से मोटिवेशन मिलेगा। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम देखते हैं कि अब सेकेंडरी क्या चीज़ की ज़रूरत है। अब हमें जब ये पता चल जाता है तो हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी, कारक या फिर विभक्ति जिसको कहते हैं, और इसके बाद हमें लकार की ज़रूरत पड़ती है। ये अब हम दोनों चीज़ों को समझेंगे, ये थोड़े बड़े भी हैं और डीप भी हैं। तो सबसे पहले हम विभक्ति समझ लेते हैं। विभक्ति आपकी टोटल होती हैं सात, कितनी होती हैं सात। अब हम इसको अच्छे से समझ पाते हैं
कि जो टोटल जो विभक्ति होती हैं आपके वो आपकी टोटल होती हैं सात। अब चूंकि मैंने आपको समझाया ही था बकायदा कि यहाँ पर भी आपको क्या रहता है, यहाँ पर भी आपको एक वचन द्विवचन बहुवचन से मतलब होता है, लेकिन पहले आप ये विभक्ति समझ लें कि ये है क्या। तो ये टोटल विभक्ति होती है जिसको एक तरीके से, और यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ कि विभक्ति, अपन एक चार्ट बना लेते हैं भैया विभक्ति कौन सी है, उसमें कौन सा कारक है, कारक क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा अभी, और उसका मतलब क्या होता है जिसको हम चिन्ह भी कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, चिन्ह कहते हैं। तो यहाँ पर हमारी टोटल सात विभक्ति हैं, तो प्रथमा द्वितीय ऐसे करके सातों की सात होंगे, प्रथम द्वितीय, और यहाँ पर आपकी हो जाएगी तृतीय, फिर आपकी हो जाएगी चतुर्थी, फिर हो जाएगी आपकी विभक्ति पंचमी और षष्ठी, और यहाँ पर आपकी हो जाएगी सप्तमी, सप्तमी विभक्ति, और एक और इसमें होता है संबोधन, क्या होता है संबोधन, वो थोड़ा अपन को देख लेंगे कोई दिक्कत नहीं, संबोधन अभी आप ये समझें। तो प्रथमा विभक्ति, विभक्ति टोटल सात होती है जिसमें कारक जो होता है प्रथम कारक, कारक इसमें प्रथमा में कर्ता होता है, कर्ता चिन्ह होता है ने, कर्ता ने, थोड़ा राइटिंग जरूर देख लीजिएगा, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, करण से या फिर द्वारा, अभी आप देखते हैं मैं क्या कर रहा हूँ, करण से, इसको रट लेना आप, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान, संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए अपादान, अपादान से अलग होना, अपादान से, बट यहाँ पर इसका मीनिंग अलग होना होता है, क्या होता है अलग होना, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होना, संबंध, संबंध, संबंध मतलब आपका रिलेशंस, इसमें का की के संबंध, का की के अधिकरण, सप्तमी जो होता है वो होता है अधिकरण, अधिकरण मतलब होता है मैं या पर, मैं पे पर, और संबोधन जो आपका जो सप्तमी, इसको संबोधन जो होता है वो आपका हे ओ अरे आदि, इसमें प्रथमा विभक्ति लगती है, जो कारक है इसमें टोटल जो संबोधन तो कारक हो गया, और इसमें जो विभक्ति लगती है वो प्रथमा का ही प्रयोग किया जाता है, और हे हो अरे जो भी आपको बोलना है, जो भी संबोधन जिसको किसी को संबोध करते हैं। तो गाइस अभी जरा समझ लो जरा मैंने क्या कर लिया है, क्या बोल दिया, क्या कर लिया ये, कि कर्ता ने कर्म को, कर्म माए है ना, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का की के अधिकरण में विवर, संबंध, संबंध हे ओ अरे आदि। तो भैया आपकी टोटल विभक्तियाँ सात होती हैं, उनके कारक जो बेसिकली कारक ही होते हैं, और चिन्ह, चिन्ह यहाँ पर इनका लोप हो जाता है, क्या हो जाता है इनका बेसिकली लोप होता है, और किसी में लोप हो भी होता भी नहीं है, जैसे कर्ता ने, अब यह ने क्या है सब्जेक्ट है, जैसे राम ने खाना बनाया, तो राम ने, ने तो मतलब उसमें प्रथमा विभक्ति है, ठीक है, और जैसे यहाँ पर को आएगा, क्या आएगा को, तो वहाँ पर क्या होगी द्वितीय विभक्ति होगी, समझ में आया, जैसे कि, और इसमें और भी मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि प्रथमा द्वितीय तृतीय विभक्ति होती क्या है, कैसे क्या होती है, और इसके लिए मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो तो बनाए हुए हैं, अगर आप लोग चाहें तो आप वो सेपरेट वीडियो विभक्ति का देख सकते हो, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि कौन सी विभक्ति क्या होती है, क्या नहीं है, क्या होती है। वैसे ये वीडियो बहुत लंबा हो जाए अगर मैं एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा, मेरा मेन मुद्दा यही है कि मैं चाहता हूँ कि आप बस समझ जाओ कैसे भी करके। जैसे मैं द्वितीय विभक्ति का देखूँ तो इसमें कर्म होता है, कर्म मतलब कि जो व्यक्ति का बेसिकली जो कर्म कर रहा होता है, जैसे राम श्याम को मारता है, तो यहाँ पे को आ रहा है, कर्म हो रहा है, करण से मतलब किसी की सहायता करना, जैसे राम गेंद की सहायता से खेलता है, या फिर वो राम बस द्वारा जाता है, इस तरीके से संप्रदान को के लिए, जैसे ये श्याम के लिए है, या ये मैं श्याम को दूंगा, तो यहाँ पर को या के आ रहा, अपादान से अलग, जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो गिर रहा है तो वो अलग हो रहा है,
वो गांव से दूर जाता है, तो गांव से दूर दूर जा रहा है मतलब अलग हो रहा है, तो यहाँ पे पंचमी विभक्ति लगेगी। संबंध जैसे राम श्याम, दो राम श्याम का भाई है तो का, तो यहाँ पे संबंध शो हो रहा है तो इसलिए यहाँ पे का आ रहा है। तो अधिकरण में पेपर, जैसे वन में मोर नाचता है, वन में मोर नाचता है, किताब टेबल पर रखी है पर, तो ये सप्तमी विभक्ति हो गई। और संबोधन हे ओ अरे, जैसे हे राम हे श्याम, तो यहाँ पर, और उसमें टोटल जो विभक्ति लगती है वो प्रथमा ही लगती है संबोधन में। तो गाइज ये इतनी विभक्ति है आपकी। अब ये विभक्ति लगती कैसे, क्या होता अपन समझते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, जैसे ये जो चिन्ह है, चिन्ह के हिसाब से ही होता है। तो राम ने श्याम को कहा कि ये सब होता है, तो इसी तरीके से इनमें विभक्तियाँ लगती हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब वो कैसे क्या लगती हैं वो मैं आपको, अलग अलग शब्द में होते हैं तो जो विभक्ति जो कारक होते हैं ये आपके शब्द रूप में बढ़ जाते हैं। किस में बढ़ जाते हैं, शब्द रूप। अब शब्द रूप क्या होता है, ये होता है अकारांत। बेसिकली मैं कहूँ तो ये मात्राएं होती हैं। छोटा आ की मात्रा से ऋण ऋषि की मात्रा तक जितने भी ये होते हैं, अब और भी होते हैं लेकिन आप एक समझने के हिसाब से समझ लो, नहीं तो आपको सर आप तो ये कह रहे हैं सर मात्रा ही मात्रा का होता, नहीं मात्रा का नहीं होता, नच भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं, सकारांत भी होते हैं और नकारांत भी होते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे अभी बेसिक आपको समझा रहा हूँ कि ज़्यादातर इनका उपयोग होता है। अकारांत का मतलब है कि लास्ट में जैसे राम लिखा है, तो भैया राम लिखा तो जिसमें लास्ट में माँ आ रहा है मतलब इसमें छोटा आ की मात्रा है, तो ये अकारांत हो गया, आपको पता ही है। अब आपको जब मैंने बताया था कि लिंग और यहाँ पर वचन ये दोनों काम करेंगे, लिंग और वचन, तो आपको लिंग पता ही है कि तीन लिंग होंगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और आपका नपुंसक लिंग। और वचन आपके एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तो ये दोनों ही फैक्टर शब्द रूप में काम करते हैं, तो आप इनके अनुसार ही करेंगे। तो अकारांत आपके अलग अलग टाइप, अकारांत ये आकारांत और इकारांत, उकारांत, रिकारांत, चकारांत, ऐसे नकारांत सकारांत बहुत सारे होते हैं। लेकिन बेसिकली आप देखेंगे जो लास्ट में जैसे मात्रा है, तो आप देखेंगे कि किसी भी लड़के का नाम लास्ट में से छोटी, जैसे सीता, जनरली लड़कियों के नाम में बड़ा आ की मात्रा आती है, तो वो अकारांत क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। जैसे फलम है, फल है, तो ये अकारांत नपुंसक लिंग, तो ऐसे ही अकारांत पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, अकारांत, इकारांत, उकारांत, रिकारांत, चकारांत, ऐसे सकारांत, नजर, ऐसे करके बहुत सारे होते हैं। तो ये सब आपको मैंने वीडियो बनाए तो आपको समझना है, और वहाँ पर उनके अनुसार ही शब्द रूप के अनुसार ही आपकी विभक्तियाँ लगेंगी, तो उस हिसाब से काम होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूँ बालक का, बालक। अब चूंकि बालक है तो ये क्या होगा आपका, ये आपका अकारांत, अकारांत, और ये बालक है तो अकारांत पुल्लिंग है ये बेसिकली, चूंकि छोटा की मात्रा इसलिए अकारांत है। और ये आप जानते हैं कि ये बाल, ये आपका मतलब पुरुष की बात हो रही थी इसीलिए पुल्लिंग आएगा। तो इसको मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ बालक को, ताकि आप समझ पाओ कि भैया क्या होता है क्या नहीं होता है, ताकि आप थोड़ा सा लिख सको, बोल सको, पढ़ सको क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे होते हैं तो मैं इतने सारे तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको फिर भी एक बार एक एग्जाम्पल तो दे के बताना ही चाहूँगा कि एक्चुअल में होता क्या है, ताकि आपको भी समझ में आए अच्छे से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ इस तरफ लिख लेते हैं विभक्ति, और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा एक वचन, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको द्विवचन, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा बहुवचन। तो गाइज मैं आपको बता दूँ कि ये सब के वीडियो हैं मैंने अलग से इंडिविजुअल बनाए हुए हैं, अगर आप लोग चाहें तो आप वहाँ से देख लेंगे और आप बहुत अच्छे समझ सकते हैं वहाँ पर, और यहाँ पर भी समझ ही रहे हैं आप। विभक्ति कितनी होती है आपको पता है, प्रथमा से लेकर सप्तमी तक, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और ये सप्तमी, और लास्ट में क्या आता है संबोधन। अब यहाँ पर एक वचन से बालक के लिए ले रहा हूँ मैं, तो चूंकि आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला याद रखना है कि यहाँ पर ये पहले होगा बाल कहा, ये हो जाएगा बाल कऊ,
और ये बाल कहा। इसका मैंने बकायदा ट्रिक बताया हुआ है कि किस तरीके से मैं ये लिख रहा हूँ, तो आप वहाँ पे जाके वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे फिर मैं ट्रिक बताता हूँ, बाल का दो बार, बाल काभ्यम, बाल का भ्याम, बाल काभ्यम, सॉरी ये गलत लिख दिया, यह आपको जाएगा बाल काभ्याम, बाल काभ्याम, बाल काभ्याम, तीन बार लिखना है हमें इसको, बाल काभ्याम तीन बार, और बाल कयो, बाल कयो, बाल कयो, बाल कयो दो बार, और जो आखिरी में संबोधन में जाएगा हे, जो सबसे पहले लिखा था हे बालकऊ, क्योंकि मैंने बोला था प्रथम व्यक्ति के साथ काम करता है। अब यहाँ पर बालक इस व्यक्ति एक वचन है, तो यहाँ पे अम एड याद स्वय के हिसाब से होता है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो द्वितीय व्यक्ति में कहेंगे बालकम, अम एड तो बालकेन, बालकेन याद तो बाल काय, बाल काय, बाल अमेर यात तो बाल के यात, बाल के यात, ये मैंने बिल्कुल ट्रिक बताई तो आप वहाँ देख लेना, यहाँ मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, इसे समझा नहीं पाऊँगा। अमेड़ा यात सुय तो बालकश, बालकश और बाल के, अमेड़ा यात सुय तो बाल के, और संबोधन में हो जाएगा हे बाल कहा। और यहाँ पर आपका अमेड़ा अमेड़ा याद से आन, तो ये हो जाएगा बालकान, आन ए तो जाएगा बाल के, आन ए एव्यम तो ये जाएगा आपका बाल, बाल केव्य, बाल केव्य दो बार आएगा, बाल केव्य, बाल का नाम, बाल का नाम, और बाल केशु, बाल केशु, और हे बाल कहा। तो गाइस यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे बालक ने, जैसे मैंने बोला कर्ता ने, तो बालक ने क्या होगा, बालक ने, कर्ता ने कर्म को, तो बालक को क्या हो जाएगा इसका मतलब, बालक को, और इसका मतलब हो जाएगा बालक के, बालक के द्वारा, क्या हो जाएगा बालक के द्वारा, यहाँ पे आ जाएगा कि बालक के द्वारा कोई, मतलब बालक के द्वारा उसको पीटा गया, तो बालकेन आएगा, क्या आएगा बालकेन। और अगर बालक से आ जाए, दूर जा रहा है कोई, वो बालक से दूर जा रहा है, तो हो जाएगा बालकाय, क्या आएगा बालकाय, और बालकात में क्या होगा आपका, नहीं ये हो जाएगा बालक के लिए, बालकाय के लिए आएगा ना, कर्ता ने कर्म करण से के लिए, ये होगा बालकात से अलग होना, और ये बालक को किसी का रिश्तेदार, से बालक, जैसे बालक स्त्री का पति है तो बालकश आएगा, क्योंकि वहाँ पर रिश्ता शो कर रहे हैं, और बालक जैसे बालक दिल्ली में है तो यहाँ पे बाल किया जाएगा, और कोई बालक को बुलाएगा तो ये हो जाएगा, और यहाँ पर ही वही है, दो दो बालक ने, दो बालक को, दो बालक के द्वारा, दो बालक के लिए, दो बालकों से, दो बालकों में, दो बालकों में, और हे बाल दो बालकों, और इसमें क्या होगा, सभी बालकों ने, सभी बालकों को, सभी बालकों के द्वारा, सभी बालकों के लिए, सभी बालकों से, सभी बालकों में, सभी बालकों में, और सभी बालकों को बुला रहा है संबोधन में, हे सभी बालक। तो इस तरीके से सिस्टम है, तो यकारांत होता है, एकारांत होगा, जो भी मात्राएं होती हैं आखिरी में, जैसे बालक, इसी इसी तरीके से आप बालक का, राम का, जो भी पुल्लिंग में अकारांत आता है उसका बना सकते हो। तो गाइज ये तो आपका शब्द रूप होगा, विभक्ति की वो हो गई वैल्यू। अब इसके बाद हम आते हैं, जो नेक्स्ट चीज़ थी वो थी लकार। क्या था हमारे पास, लकार। लकार को बेसिकली आप टेंस भी कह सकते हैं, टेंस जो इंग्लिश में कहते हैं टेंस, क्योंकि संस्कृत में 10 लकार होते हैं, लेकिन इनमें से हम 5 ही पढ़ते हैं जो हमारे काम के होते हैं। लट लकार, जिसको हम वर्तमान काल कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्तमान काल, इंग्लिश में कहेंगे प्रेजेंट टेंस। लंग लकार, लंग लकार मतलब होता है हमारा भूतकाल,
भूतकाल मतलब इसको हम कहेंगे पास्ट टेंस, और एक आपका होता है लट्टलकार। लट्टलकार का मतलब होता है आपका भविष्यकाल, मतलब इसको कहेंगे हम फ्यूचर टेंस भविष्यकाल। और इसके बाद दो लकार और होते हैं, एक होता है आपका लोटलकार, लोटलकार, और एक आपका होता है विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार। तो यहाँ पर चाहिए अर्थ चाहिए रहता है, क्या होता है जहाँ पर भी चाहिए अर्थ आता है तो वो आपका क्या होता है, वो आपका विधिलिंग लकार होता है, विधिलिंग लकार। तो ये आपके पांचों लकार हैं जो आपको आना ही आना चाहिए, अगर आपको नहीं आएंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए आपको ये आना चाहिए। तो मैं ये आपको चारों के चारों, पाँचों के पाँचों टेंस और बता देता हूँ कि अब इन टेंस को किस तरीके से करना है और क्या इसमें सिस्टम होता है और क्या नहीं होता है। लोट लकार को आज्ञार्थ काल कहते हैं, क्या कहते हैं लोट लकार को, आज्ञार्थ काल। जहाँ पर कोई आज्ञा वगैरह दी जाए तो यहाँ पर आपका आज्ञार्थ काल कहलाएगा लोट लकार। तो ये पांच, वैसे तो 10 लकार और मैंने और भी लकार पढ़ाए हुए हैं अलग से, तो आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो आप इनको पढ़ सकते हैं और आगे उनसे और पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको ये इतना काफ़ी नहीं होगा, ये मैं आपको अभी ही बता देता हूँ। चूँकि जो लकार होता है, लकार किस में लगता है, हमेशा धातु में लगता है, किस में लगता है लकार, धातु में। जैसे इंग्लिश में कहें तो वर्ब होती, इंग्लिश में क्या होती बेसिकली वर्ब, तो यहाँ पर ये किस में लगता है, धातु में लगता है। तो धातु भी आपकी जो होती हैं, धातु भी आपकी तीन तरह की होती हैं, कितनी तरह की होती हैं, तीन तरह की, जिसमें आपकी जो धातु होती है, पहले तरह की आपकी धातु होती है वो है आपकी परस्मैपदी, दूसरा आपकी होती है आत्मने, आत्मनेपदी, और तीसरी आपकी होती उभयपदी। अगर ये तीनों धातु जानना बहुत ज़रूरी है जब आप लकार पढ़ने से पहले, नहीं तो आप गलती कर बैठेंगे। अब क्योंकि परस्मैपदी में लकार का फार्मूला अलग होता है, आत्मनेपदी में अलग होता है और उभयपदी में अलग होता है, तो इन सभी को मैंने अलग अलग बताया हुआ है कि परस्मैपदी कौन सी धातु होती है, आत्मनेपदी कौन सी होती है, और उभयपदी, उभयपदी का मतलब होता है कि वो परस्मैपद में भी चल जाएंगे और आत्मनेपद में भी चल जाएंगे, उसको उभयपदी कहा जाता है। मतलब कि ऐसी धातु जो आपका आत्मपद परस्मैपद भी हो और आत्मनेपद भी हो, तो उसको उभयपदी कहा जाता है। तो गाइस ये मैंने पहले बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ बहुत डीप में, तो आप वहाँ पढ़ लें तो ज़्यादा सही है, मैं इतनी सारी धातु आपको नहीं बता पाऊँगा अभी। अभी मेरा मेन मुद्दा है आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने कैसे संस्कृत में अनुवाद करते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले लट लकार का, लट लकार, लट लकार का पहले मैं आपको बता देता हूँ फार्मूला परस्मयी पद का, जो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, किसका, परस्मयी पद। तो परस्मयी पद वाली जितनी भी धातु हैं, परस्मयी पद वाली जनरली यही यूज़ होती हैं संस्कृत में ज़्यादातर, परस्मयी पद। तो आपको पता ही है कि यहाँ पर अगर हमें ये कभी भी लकार पढ़ना है तो यहाँ पर हमें जैसे विभक्ति में शब्द रूप में क्या था आपका, एक मतलब बहुवचन और एक वचन द्विवचन था, और साथ में यहाँ पर आप और लिंग था, यहाँ पर आपको पुरुष और आपको यहाँ पर वचन की ज़रूरत है, वहाँ पर आपको वचन और लिंग की ज़रूरत थी शब्द रूप में, और लकार में आपको पुरुष और वचन। तो जैसे मैं यहाँ लिखूँगा तो जैसे यहाँ पर ये हो जाएगा एक वचन, ये हो जाएगा आपका द्विवचन, और ये आपका हो जाएगा बहुवचन, और यहाँ पर हम लिखेंगे प्रथम पुरुष, प्रथम मध्यम पुरुष और आपका एक उत्तम पुरुष। तो गाइज आपके ये चीज़ का ध्यान रखना है कि प्रथम और एक वचन ऐसे अलग अलग फार्मूला होते हैं, जैसे इसका फार्मूला होता है ती ता अंति, ती ता अंति, सी थ था, और ये हो जाएगा आपका आमी आव आमे। तो ये आपका किसका फार्मूला हो गया, लट लकार का फार्मूला हो गया, जिसमें कोई भी परस्मयी पद धातु का उपयोग कर, जिसमें भव धातु होती है, अस धातु होती है, पट धातु है, ये सब आपके परस्मयी पद धातु हैं। तो चलिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, तो जैसे मैं पट धातु लेंगे तो कुछ भी नहीं करते, यहाँ पट पहले लिख दो, पट ती हो जाएगा, पट ते, और ये आपका पठंती हो जाएगा, आड़ जाता आपको पता ही है, तो पठंती हो जाएगा, पट सी, और ये हो जाएगा पट थ, और ये हो जाएगा पठत, क्या हो जाएगा पठत। अब जब आपको पता ही है कि यहाँ पे आपका आ हट जाता है तो ये आपका सिर्फ क्या होगा, यहाँ पर आ मैं पहले हटा देता हूँ नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाएं, तो
तो आपका यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, ये पठामी, ये पठा व, और ये हो जाएगा पठा मैं। तो गाइज ये चीज़ हो जाएगी, तो पटती पटते पठंती पटसी पटते पठत पठामी पठा पठा। जिसमें भव लिखूँगा तो हो जाएगा भव ती, ये भव तह, और ये भवंती, ठीक है। और हो जाएगा भव सी, और ये हो जाएगा भव थ, और ये हो जाएगा भवत, और ये हो जाएगा आपका भवा मी, हो जाएगा भवा वी भवा वे, और ये हो जाएगा आपका भवा मैं। तो इस तरीके से आप इसमें पुट कर सकते हैं। अब इसका आत्मनेपद का फार्मूला बता देता हूँ मैं, ताकि आपको दिक्कत ना आए। आत्मनेपद किसका बता रहा हूँ, लट लकार का। तो इसमें भी आपका यहाँ पर पुरुष लिखते हैं तो प्रथम, मध्यम और आपका उत्तम, और यहाँ पर आपका वही एक वचन, और यहाँ पर द्विवचन और बहुवचन। तो इसका फार्मूला होता है गाइस, ते मैंने पूरा बताया हुआ है, आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं अलग से, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। इसको मैं ऐसे लिख दूँ ज़्यादा सही, अते ऐते अंते, अते ऐते अंते, असे ऐथे अध्व, और ए आवहे आम है। ये इसका फॉर्मूला है आपका आत्मनेपद वाली धातु का। अब आपका अगर आत्मनेपद वाली धातु के आएंगे तो आपको आत्मनेपद वाली धातु में करना है। तो अब आपको पता कैसे चलेगा, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, आपको याद करना पड़ेगा कि भैया कि ये आत्मनेपद वाली धातु है और ये आपकी परस्मैपदी धातु है और ये आपकी उभयपदी धातु है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें मतलब याद करना पड़ेगा जो कि मैंने बताया हुआ है, तो आप बिल्कुल याद कर लेना, समझ लेना, पढ़ लेना जो भी धातु। तो इसमें भी आपको एक एग्जांपल लेके बता दूं कि क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी धातुएं ऐसी होती हैं जो उभयपदी होती हैं तो वो दोनों में चल जाती हैं, और बहुत सारी धातुएं ऐसी होती हैं जो दोनों में नहीं चलती। जैसे मैं आत्मनेपद में धातु में लव का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, किसका एग्जाम्पल ले लेता हूँ, लव का। तो ये क्या हो जाएगा, देखो आ की मात्रा तड़ जाएगी तो जाएगा लव ते, क्या हो जाएगा लव ते, जाएगा लभे ते, एक ही मात्रा इस पर भी चढ़ेगी इस पर भी चढ़ेगी तो लभे ते, और ये हो जाएगा आपका लवंत। सिर्फ पीछे जोड़ते जाना और कुछ नहीं है, ये आपका हो जाएगा लव से, क्या हो जाएगा लव से, सॉरी ये असे ही था मैंने उसे लिख दिया, और ये हो जाएगा आपका लभे थे, और ये हो जाएगा आपका लभेद्य लभेद्वे, और ये आपको हो जाएगा लभे, एक ही मात्रा ही चढ़ेगी, ये हो जाएगा आपका लभावे लभावहे, और हो जाएगा लवामहे। तो इस तरीके से गाइज आपके ये आत्मनेपद और परस्मैपद वाली धातु चलेगी। इसमें ही आपका जो है ये तो लट लकार था, ऐसे ही आपका बाकी के जो पांचों लकार मैंने बताए, लट लकार, लंग लकार, लट लकार, लोट लकार, बिजली लकार के फार्मूले मैंने बिल्कुल अलग से पढ़ाए हुए हैं। ये आपको पढ़ने पड़ेंगे, आपको आने पड़ेंगे, अगर आपको नहीं आएंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। तो गाइज मैंने आपको क्या समझाया कि अगर आपको संस्कृत में ट्रांसलेट करना है तो आपको वचन, पुरुष, आपको लिंग, आपको विभक्ति, जिसको हम शब्द रूप भी कह सकते हैं, शब्द रूप कह सकते हैं या धातु रूप कह सकते हैं, धातु रूप नहीं कह, शब्द रूप, और आपको लकार जिसको हम धातु रूप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम, धातु रूप। तो इसके लिए आपको धातु पता होना चाहिए, धातु आपको सब कुछ पता होना चाहिए जो मैंने आपको बताया, तब जाकर आप कहीं ट्रांसलेशन कर सकते हैं, अनुवाद करेंगे। अब इसके लिए आपको, इसके अलावा मैं और बता दूं कि आपको इसके लिए प्रत्यय, प्रत्यय, उपसर्ग और अवयव, ये भी आपको आना पड़ेगा, प्रत्यय, उपसर्ग और अवयव, ये आपको नहीं आएंगे तो भी आप संस्कृत का जो मतलब प्रोनंसिएशन है आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रत्यय, उपसर्ग और अवयव इन तीनों का भी बहुत महत्व है जो आपको आना चाहिए। देखो मैं यहाँ पर आपसे मैं समास और संधि
इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये भी आना ही चाहिए, लेकिन इतना इनका इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि आपको ये प्रत्यय उपसर्ग और अवयव आ गए तो घुमा फिरा के आप देखेंगे तो आपको क्या क्या आना चाहिए। अगर आपको संस्कृत अनुवाद करना है तो वचन पुरुष लिंग विभक्ति जिसको शब्द रूप भी कहेंगे, लकार मतलब धातु रूप, प्रत्यय उपसर्ग और अवयव, इन सब की जानकारी आपको हो गई तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं आप, अनुवाद कर सकते हैं, अनुवाद। तो चलिए मैं अब आपको कुछ अनुवाद करके बता देता हूँ ताकि आपको पता चले कि इनका उपयोग कैसे करना है और संस्कृत में किस तरीके से आपको अनुवाद करना चाहिए और किस तरीके से अनुवाद किया जाता है। और अगर आपको समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप थोड़ा मेरे वीडियो देख लीजिए। मैंने आपको बता दूं कि वचन के पुरुष लिंग विभक्ति शब्द रूप लकार प्रत्यय उपसर्ग अवयव इन सबके सेपरेट वीडियो बनाए और आप इनके सेपरेट वीडियो देख लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मदद प्राप्त होगी। ठीक है, चलिए अब हम अनुवाद चालू करते हैं। संस्कृत में अनुवाद कैसे करते हैं इसका हम प्रारंभ करते हैं, शुभारंभ करते हैं। आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखा अब यहाँ तक के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, राम पढ़ता है, बस अभी मैं शुरुआत बहुत छोटे से कर रहा हूँ ताकि आप धीरे धीरे समझ जाएँ और समझ पाएँ और अच्छे से कर सकें। तो सबसे पहले राम पढ़ता है, तो मैं आपको एक बात बताऊँ, संस्कृत में कोई ऐसा नियम नहीं है कि कहाँ सब्जेक्ट लिखना है कहाँ ऑब्जेक्ट लिखना है, कोई ऐसा इंग्लिश जैसा कोई नियम नहीं है, जैसा हिंदी में लिखा है वैसा का वैसा ही आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो राम पुस्तक को पढ़ता है, बेसिकली देखा जाए तो इसका मतलब है राम पुस्तक नहीं, राम पढ़ता है, अकेले पुस्तक तो पढ़ी नहीं रहा, सॉरी अभी मैंने वो बनाया नहीं, चलो राम पढ़ता है। तो राम तो यहाँ पर कोई विभक्ति लेंगे तो प्रथम विभक्ति होती है, तो इसमें हम सीधा प्रथम व्यक्ति तो राम है, आपको पता ही है राम है होगा, मैंने ही बना बाल के बनाया था, पढ़ता है ताती है प्रथम, आपका ये कौन सा लट लकार है प्रेजेंट टेंस है, तो प्रथम पुरुष के लिए एक वचन है, क्या है ये आपका, ये प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष है ये राम, और लिंग आपका पुल्लिंग है और वचन आपका एक वचन है। देखो हो गया ना आइडेंटिफाई, क्या करना था हमें कि कौन सा पुरुष है, क्या लिंग क्या है और वचन क्या है, तो पुरुष प्रथम है, लिंग आपका पुल्लिंग और एक वचन है, तो हमने इसके हिसाब से धातु रूप लगा दिया, पहले ये रामा प्रथम विभक्ति हो गई, इसमें हमने विभक्ति लगाई है। आपको बता दूं कि जितने भी शब्द होते हैं, जितने भी शब्द होते हैं सब में क्या लगती है, विभक्ति लगती है, सिर्फ किसको छोड़ के, सिर्फ धातु में क्या यूज़ करते हैं, लकार, सिर्फ धातु में लकार होता है, बाकी सब में जितने भी हैं सब में क्या लगेगा, विभक्ति लगेगी, क्या लगेगी, विभक्ति। अब आप कहेंगे सर किसी में तो प्रत्य भी लगेगा, एक्चुअली प्रत्य को भी आप विभक्ति ही मान सकते हैं क्योंकि विभक्ति एक प्रकार से प्रत्य ही होती हैं, पीछे ही जुड़ती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, मैं आपको बता दिया। तो राम पढ़ता है, पढ़ना आपकी धातु है, कोई कर्म करते तो वो धातु होती, क्रिया है, तो धातु राम पढ़ता है तो राम है पठती, क्यों, क्योंकि ये ती क्यों आया, करता तो ताती तांती सीता था वाला हमने पोर्शन पढ़ा था, ये देखें आप तीता अंति, तो पठती क्यों, क्योंकि प्रथम देखो हमारा क्या है, ये प्रथम पुरुष है एक वचन है, प्रथम पुरुष एक वचन में क्या आएगा, पठती आएगा, क्या आएगा, पठती, तो इसलिए हमने यहाँ पे के लिए राम है पठती, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर विभक्ति लगी, प्रथमा विभक्ति कौन सी, प्रथमा विभक्ति लगी है और आपका एक प्रथम पुरुष पुल्लिंग एक वचन, समझ में आ गई बात। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ पाए और हम बहुत अच्छे से समझ सकें। चलिए अब हम आगे बढ़कर थोड़ा सा समझ लेते कुछ भी चीज़, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दो लड़कियाँ पढ़ती हैं, लिख लेते हैं दो लड़कियाँ पढ़ती हैं, तो अब आप यहाँ पर देखेंगे दो लड़कियाँ पढ़ रही हैं तो आपका ये कौन सा वचन है, ये आपका दुई वचन है, लड़कियां हैं तो स्त्रीलिंग है, ठीक है ना, और पढ़ती हैं लकार कौन सा है, ये लट लकार रहेगा, कौन सा लकार रहेगा, लट लकार रहेगा,
और क्या चाहिए रहता है हमें, देखो वचन हो गया पुरुष, पुरुष दो लड़कियां पढ़ती हैं, तो आप देखेंगे इसमें क्या पुरुष आएगा, प्रथम पुरुष ही, बे दो, ये दो लड़कियां पढ़ती हैं, बे दो लड़कियां पढ़ती, बात एक ही होती है, तो वचन द्विवचन लिंग स्त्रीलिंग लकार लट लकार प्रथम पुरुष, दो लड़कियां, तो दो लड़कियां को क्या बोलेंगे, बालक हो बालिके, क्या बोलेंगे बालिके। अब ये पढ़ती हैं तो तीता, देखो आप अभी हमने पढ़ा था तीता, क्योंकि लकार में तो लिंग से मतलब ही नहीं होता, इसलिए यहाँ पर द्विवचन में क्या आएगा पटत है, क्या आएगा पटत, मैंने पट धातु के इसलिए एग्जांपल ले रहा था क्योंकि मैंने करके बताया, तो बाली के पट तय, सॉरी फॉर दिस, ये क्या हो रहा है इसमें, पट तय, तो बाली के पट तय, बाली के पट तय, तो समझ में आ गई बात। तो एक आपको देखो जब भी ट्रांसलेशन करना है तो देखना है कि लिंग क्या है, वचन क्या है, पुरुष क्या है, लकार क्या है, समझ में आ गई बात, ये चीज़ होती है, तो तभी पता चलेगा विभक्ति क्या लगानी है क्या नहीं लगानी है, कहाँ क्या लगाना है और कहाँ पे क्या नहीं लगाना है। तो चूंकि अभी हमने जितने भी सेंटेंस लिए उसमें विभक्ति का कोई ज़्यादा खास काम था नहीं, अब हम एक आध ऐसा सेंटेंस ले लेते हैं जिसमें कुछ विभक्ति का कोई खास काम हो और आपको समझ में आए कि हाँ ये आपने विभक्ति के अनुसार लिया हुआ है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, हम विभक्ति के अनुसार एक क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको वो समझ में आए। क्या सेंटेंस लें हम ताकि हमारा यहाँ पर समझ में आए आपको, जैसे मैं लिख लेता हूँ कि अभ्यास से विद्या बढ़ती है, अभ्यास से विद्या बढ़ती है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे अभ्यास से, यहाँ पे ये अभ्यास से, ने को के द्वारा, तो अभ्यास से, तो आप देखें कर्ता ने कर्म को करण से किसी की सहायता से, तो अभ्यास की सहायता से क्या बढ़ रही है विद्या बढ़ती है, तो अभ्यास से, तो कौन सी विभक्ति हो गई तृतीय विभक्ति, तो ये हो जाएगा अभ्यासेन। अब आप कहेंगे अभ्यासेन कैसे लिख दिया, तो मैंने आपको बताया था कि ये शब्द रूप होते हैं अकारांत इकारांत उकारांत नकारांत चकारांत सकारांत, तो इस सब पहले कि आपको इन सबको आना पड़ेगा, इन सबके फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, कुछ तो याद आपको करना ही करना पड़ेगा ही पड़ेगा। और विद्या है चूँकि एक प्रथम विभक्ति है तो सिर्फ विद्या हो जाएगा, जैसे सीता गीता होता है, और अब यहाँ पर ही आएगा बढ़ती है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा बढ़दते, क्या जाएगा बढ़ती है, कोई चीज़ हो रही है तो यहाँ पर बढ़ती है तो बढ़दते, समझ में आ गई बात, सीता अंति सीता था, तो ये आपको समझ में आए किस तरीके से हमें करना है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, एक और लेता हूँ, जैसे यहाँ पे एक और सेंटेंस कि उद्यान, उद्यान या पर हम बगीचा भी कह सकते हैं, बगीचा या बगीचे, उद्यान या बगीचे में मोर देखो, ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा उद्यान में, मैं ये आपका क्या होगा, ये कौन सी व्यक्ति, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपदान से अलग होना संबंध काकी के रा काकी के लिए अधिकरण में पेपर, तो अधिकरण में, तो उद्यान में, तो इसमें उद्यान में कौन सी व्यक्ति है सप्तमी विभक्ति है सप्तमी, तो भैया इसमें हो जाएगा ये उद्याने, क्या हो जाएगा ये उद्याने। अब यहाँ पर मोर, तो मोर तो आपका वही है सिंपल, तो मयूरम प्रथम विभक्ति, और यहाँ पर देखो, तो हम यहाँ पर देखना मतलब होता है पश्य, देखना मीन्स पश्य धातु, समझ में आ गई बात। तो मैं आपका बस मेरा औचित्य यही था आपको पूरा समझाने के लिए कि अगर आपको संस्कृत में अनुवाद करना है तो आपको आना चाहिए क्या, आपको आना चाहिए वचन पुरुष लिंग लकार विभक्ति, ये तो आपको आना ही आना चाहिए, और साथ में आपको आना चाहिए प्रत्यय उपसर्ग
और अवयव। अगर आपको ये सब आ गया तो आप बिल्कुल पूरा कर सकते हैं, और आपको धातु के प्रकार और धातु भी सब आपको नॉलेज होना चाहिए। इन सब के ही वीडियो मैंने आपको अलग अलग सेपरेट बाकायदा बनाए हुए हैं, तो अगर आपको अच्छे से संस्कृत को ट्रांसलेट करना है तो पहले इन सभी वीडियो को बिल्कुल निचोड़ डालिए, देख डालिए और इनके पीछे पागल हो जाइए, ताकि आपको अगर वो सब आ गया तो आप संस्कृत अपने आप ही अनुवाद करने लगेंगे हिंदी से संस्कृत में, संस्कृत से हिंदी में, या संस्कृत से इंग्लिश में, या इंग्लिश से संस्कृत में। तो गाइज, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं और वीडियो बनाऊँ सबके अलग अलग सेपरेट और ट्रांसलेट करके बताऊँ, तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए कि मुझे क्या करना है, तो मैं वो ही कर लूँगा। तो आपको वीडियो अंत तक देखने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।